पिछले पार्ट में आपने देखा क्लॉक टावर पर कुछ समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था जहां पर एडम और क्रिमिनल्स रहा करते थे। हिपहॉप के मरने के बाद सभी लोग डर चुके थे क्योंकि अभी सभी की जान खतरे में थी। एक तरफ समुद्री लुटेरे और दूसरी तरफ क्लॉक टावर भी डूब रहा था। वहीं ये सब देखने के बाद भी एडम अपनी बोट लेकर वहां से दूर चला जाता। रेड क्रिमिनल समझ चुका था कि एडम के दिमाग में कुछ ना कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। पूरा दिन बीत गया लेकिन एडम अभी तक लौट कर नहीं आया। बहुत दिन बीत गए, दिन से रात, रात से दिन, लेकिन एडम का कोई भी अता पता नहीं था। काफी मौसम बदले और एक टाइम बाद लोगों को लगने लगा कि एडम हमें छोड़कर भाग चुका। वहीं दूसरी तरफ पायरेट्स ने भी क्लॉक टावर पर कब्जा करके सारे क्रिमिनल्स और सभी लोगों को बंदी बना लिया था। और उसी समय एंट्री होती है एडम की। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एडम लौट कर क्लॉक टावर वापस आएगा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, जैसे मानो एडम सबको बचा लेगा। कैप्टन के पास जाकर एडम कुछ इशारे करता है जो कि उसके समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो सर ऊपर करता है वो देखता है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े गैंगस्टर उसे मारने के लिए ऊपर से पहले से ही खड़े, जिनके पास बहुत सारे खतरनाक हथियार भी। ये देखकर वो डर चुका था और उसके शिप वाले उसे छोड़कर भाग जाता। एडम ने क्लॉक टावर और सभी लोगों को बचा लिया था, जिसके बाद उस शिप के कैप्टन को जलाकर मार देते हैं।